तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो आज इस वीडियो में बताएंगे कि स्टेटस कैसे चेक करना है। जो ई कल्याण भरवा लिए हैं अगर उनका कॉलेज से अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है, या DNO पास है या DLC पास है या ए अप्रूव्ड है, तो चलिए उसको कैसे देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन अभी कहाँ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्च बार में लिखेंगे ई कल्याण। लिखने के बाद ये सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद सिंपली से हम इस पर क्लिक करेंगे, जो ये फर्स्ट वाला लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह है एक स्टूडेंट लॉगिन और एगो रजिस्ट्रेशन है, ठीक। तो सिंपली से हम स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट लॉगिन पर जो ये रेड कलर है इस पर छिपेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर और पासपोर्ट यहाँ डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली से यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालकर आगे की प्रोसेस बताते हैं। पासवर्ड डालना है, हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आप सिंपली से यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। तो सिंपली से जो यहाँ थर्ड लाइन कॉर्नर में दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नजर आ रहा होगा होम का अपडेट, मोबाइल नंबर का अपडेट, आधार डिटेल का और एप्लीकेशन स्टेटस का। तो एप्लीकेशन स्टेटस पर सिंपली से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ ईयर है वो चुनने के लिए कहेगा, तो हम ईयर चुनेंगे। सेशन जो है 23 से 24 वाला चुनेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो है मेरा कॉलेज अप्रूव्ड है, अभी DLC पास मतलब DNO पास गया है। DNO के बाद DLC पास जाता है।